जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक वैम्पायर हॉरर फिल्म डेथ शिफ्ट के बारे में। दोस्तों ये फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें हॉलीवुड दिखाया जाता है, जहाँ पे बड़ नाम का आदमी पूल की साफ सफाई किया करता था। एक दिन वो एक घर में जाता है पूल साफ करने के लिए, और वहाँ पे वो अपने कपड़े चेंज करता है और दूसरे घर में दाखिल हो जाता है। वो अपनी शॉटगन निकालता है और एक मास्क पहन लेता है। दोस्तों दरअसल बड पूल सर्विस नहीं किया करता था, असल में वो एक वैम्पायर हंटर था जो कि वैम्पायर्स को मार के उनके दांत निकाल लिया करता था, क्योंकि उनके दांत बहुत ही महंगे बिकते थे और वो उन्हीं से कमाता था। बड़ उस घर के दरवाजे पे एक सिल्वर वायर लगा देता है ताकि अगर कोई वैम्पायर वहाँ से भागता हुआ है तो उसका गला कट सके। उसके बाद वो शॉटगन लेके अंदर जाता है, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत उसके सामने आती है, जो कि उससे कहती है कि वो उसके घर में क्यों आया है। तभी बड़ उसे शूट कर देता है और वो बूढ़ी लेडी दूर जाके गिरती है। दोस्तों बूढ़ी लेडी एक वैम्पायर होती है जो कि उठ के उस पे हमला कर देती है, और उन दोनों की वहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है। बहुत ही मुश्किल से बड़ उसका गला काट देता है, जिससे उस वैम्पायर की मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि वैम्पायर किसी भी गन से नहीं मरते थे, उन्हें मारने के लिए सीधा उनका गला काटना पड़ता था। तभी दूसरा वैम्पायर भागते हुए बड़ के पास आता है और वो तार से उसका गला कट जाता है। फिर हमें ऑड्री नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि रियल स्टेट में काम किया करती थी। ऑड्री एक वैम्पायर थी और उसका सपना था कि वो सारे वैम्पायर्स को वहीं पे बसाएगी, इसलिए वहाँ पे ढेर सारी बिल्डिंग्स बना के उन्हें बेच रही थी। रात के वक्त वैम्पायर्स को अपने सीक्रेट होल में रुकना पड़ता था, इसलिए वो उनकी परेशानी नहीं देख पाती थी और वो चाहती थी कि वो जमीन पे आके रहे। वो अपने ही वैम्पायर साथी को मार डालती है जिसके साथ वो पार्टनरशिप में थी, और उसके बाद वो वहाँ पे एक बड़ी सी कॉलोनी बनवाने लगती है ताकि वहाँ पे सभी वैम्पायर जाके रह सके। बड़ अपने रूम में जाता है जहाँ पे रेंट पे वो रहा करता था। वो एक पीला पदार्थ अपनी बॉडी पे लगाता है ताकि वैम्पायर उसे सूंघ ना सके। उसके बाद वो अपनी बेटी के स्कूल में जाता है उसे लेने के लिए, और उसकी बेटी उसे देख के बहुत ही खुश होती है। बड ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर है, जिसकी वजह से उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत झूठ बोला करता था। रास्ते में बड अपनी बेटी को एक आइसक्रीम स्टोर में ले जाता है और उसे आइसक्रीम खिलाता है, और उसके बाद बड उसे उसकी माँ के घर ले जाता है। उसकी बीवी उससे पूछती है कि आखिर उसे इतना लेट क्यों हुआ, तो वो उसे बताता है कि वो किसी के घर गया था पूल साफ करने के लिए। ये सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि इन्हीं झूठों की वजह से उसने उसे छोड़ा है। वो उसे ये भी बताती है कि अब वो इस घर को बेच रही है क्योंकि उनकी बेटी की फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और वो अब उसके साथ अपनी माँ के घर जा रही है रहने के लिए। बड उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो 7 दिनों में उसके लिए पैसों का जुगाड़ कर देगा। ये सुनकर उसकी बीवी कहती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, तो वो उससे कहता है कि उसे यहाँ से कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, वो बस उसे 1 हफ्ते का मोहलत दे, वो सारे पैसे ले आएगा। उसके बाद बड़े पॉन शॉप में जाता है जहाँ पे वो वैम्पायर के दांत बेचने वाला था। उसका दोस्त उसे अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि वो इन दांतों के $800 देगा। ये सुनकर बड़ हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि यूनियन वाले इसके बहुत ज्यादा देंगे, तो उसका दोस्त उससे कहता है कि वो यूनियन में जाके ही उसे बेच दे। दोस्तों यूनियन यहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि वैम्पायर हंटर की सोसाइटी थी, और वो लोग अपने एम्प्लॉयज को भेजा करते थे वैम्पायर्स को मार के उनके दांत इकट्ठा करने के लिए। बड़ उसे वो दांत बेच देता है और उसके साथ अपनी गन और जूते भी बेच देता है ताकि उसके पास कुछ पैसे जमा हो सके अपनी बेटी की फीस भरने के लिए। रात को ऑड्री उस बूढ़ी लेडी के घर में पहुंचती है और देखती है कि उसे किसी ने मार डाला है। ये देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो बूढ़ी लेडी उसकी बेटी थी। ऑड्री 500 साल पुरानी वैम्पायर थी, और उसकी बेटी उसे तब मिली थी जब वो बूढ़ी हो गई थी, और बड ने उसकी बेटी को उससे छीन लिया था। वो अपने आदमियों से कहती है कि जिसने भी उसे मारा है वो उसे ढूंढ के लाए। उसे साथी को वहाँ पे बड का खून मिलता है और वो उससे कहता है कि इससे उन्हें आसानी होगी उसे पकड़ने में। अगले दिन बड अपने दोस्त जॉन से मिलने जाता है जो कि यूनियन का मेंबर था, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फिर से यूनियन में काम पे लगा दे। इस उनके जॉन उसे अपने साथ यूनियन के अंदर ले जाता है जो कि एक लॉन्ड्री शॉप के अंदर सीक्रेटली बनाया गया था। जॉन उसे अंदर ले जाता है और वो अपने मालिक से कहता है कि वो उसे दूसरा मौका दे दे। जॉन की वहाँ पे बहुत ज्यादा इज्जत होती है क्योंकि वो बहुत पुराना हंटर था। उसका मालिक जॉन को बड की गलतियाँ गिनाता है, पहले वैम्पायर्स को मारने के लिए उसने बहुत सारे रूल्स के उल्लंघन किए थे, इसकी वजह से उसे यूनियन से निकाल दिया गया था। लेकिन जॉन के कहने पे वो उसे दोबारा मौका दे देता है। वो उसे कहता है कि अगर उसने एक और रूल ब्रेक किया तो वो उसे तुरंत बाहर निकाल देगा। उसका मालिक उसे डे शिफ्ट देता है और उससे कहता है कि उसे दिन में वैम्पायर मारने होंगे। उसके बाद बड काउंटर पे जाता है जहाँ पे उसे सेथ मिलता है। बड उसे वो दांत देता है तो सेथ वो देख के उसको पैसे देता है, और उसके बाद वो पैसे रख भी लेता है क्योंकि उसके ऊपर काफी पैसे ड्यू थे। तभी उसका मालिक वहाँ पे आता है और बड से कहता है कि यही उसका पार्टनर
डिनर होगा। ये सुन के सैद अपने मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि वो फील्ड में काम नहीं कर सकता। उसका मालिक उससे कहता है कि अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो उसे फील्ड में काम करना ही होगा, और अगर बट कोई भी गलती करे तो वो उसे तुरंत रिपोर्ट करे जिससे कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। अगले दिन सैद बट के अड्डे पे आता है जहाँ पे वो अपने वेपन्स बनाया करता था। उससे कहता है कि वो पहली बार फील्ड में काम करने जा रहा है, तो बट उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी रक्षा करेगा। उसके बाद वो दोनों एक वैम्पायर का पीछा करते हैं जो कि एक बेबी वैम्पायर था। सैद उसे बताता है कि ये बेबी वैम्पायर्स हैं और ये लोग अभी इंसान का खून डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए लोग चूहे और बिल्ली का खून पीते हैं और उससे काम चलाते हैं। जब वैम्पायर अंदर जाता है तो बट सैद से कहता है कि वो अपनी गन लेके वहाँ पे जा रहा है, और जब तक वो वापस नहीं आता वो इसी कार में बैठा रहे। सैद उससे कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन बट उससे कहता है कि अगर वो नीचे आया तो वैम्पायर से नहीं लड़ पाएगा और वैम्पायर उसे काट के खा जाएंगे। इधर उस पॉन शॉप में ऑडरी आती है जो कि सारे आदमियों को मार डालती है, और उसके बाद वो बट के दोस्त को टॉर्चर करती है और उससे पूछती है कि उस वैम्पायर का दांत उसे किसने बेचा था। वो उससे कहता है कि वो उसे उसका नाम नहीं बता सकता। ऑडरी उससे कहती है कि वो वैम्पायर उनके लिए भगवान हुआ करते थे और उन्होंने उनके लिए मूर्ति भी बनाई थी, लेकिन न जाने क्यों उन्हें मार के उनके दांत का उन्होंने धंधा बना लिया, इसलिए उनकी प्रजाति खत्म होती जा रही है और वो उसका बदला जरूर लेगी। वो बंदा तभी बट का नाम बता देता है और वो उसे जान से मार डालती है। इधर बट उस वैम्पायर का पीछा करते हुए नीचे पहुंचता है और उन सबको मारने लगता है। एक वैम्पायर उस पे भारी पड़ता है जो कि उसे पकड़ लेता है, और तभी सैद नीचे आता है तो बट उससे उसकी गन मांगता है। सैद उसकी तरफ गन पास करता है तो बट उसे शूट करके मार डालता है। उन सभी वैम्पायर्स को मार के उनके दांत निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बट देखता है कि सैद ने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया है। वो उसे सहानुभूति देता है और उससे कहता है कि ऐसा पहली बार हो जाता है, तो वो चिंता ना करे, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद बट अपने घर जाता है जहाँ पे उसे उसकी नई पड़ोसी मिलती है। उसे बताती है कि वो एक नर्स है और वो यहाँ पे नई शिफ्ट हुई है। ये देख के बट उसकी मदद करता है उसका सामान रखवाने में, और लड़की उससे अच्छी दोस्ती कर लेती है। अभी सुबह बट सैद को पिकअप करने जाता है जहाँ वो उसकी डायरी छीन के उससे पढ़ने लगता है, जिसके अंदर सैद ने उसकी सारी कंप्लेंट्स लिखी हुई थी। ये देख के बट उससे कहता है कि अगर वो ये रूल नहीं तोड़ता तो वो आज जिंदा नहीं होता, तो भला इसी में है कि वो इन कंप्लेंट्स को मालिक को ना बताए। सैद उससे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा कि मालिक को इसके बारे में बताना है या नहीं। उसके बाद वो उसे लेके अपने दोस्त की पॉन शॉप में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है और उसने उस वैम्पायर को उसका नाम बता दिया है। सैद उससे कहता है कि उन्हें इस बारे में यूनियन को खबर देनी होगी, तो बट उसे रोकता है और उससे कहता है कि अभी वो ऐसा काम ना करे। सैद उसकी नहीं सुनता और कॉल मिलाने जाता है, तो बट उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी बेटी कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। वो बस अपनी बेटी के लिए पैसा कमाना चाहता है ताकि वो स्कूल में पढ़ाई कर सके, और जब उसकी फीस जमा हो जाएगी तो वो उसकी कंप्लेन कर सकता है। ये सुन के सैद का दिल पिघल जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी कंप्लेन नहीं करेगा। रात को बट जब घर में जाता है तो वो अपने नेबर को देखता है जो कि एक आदमी से लड़ रही थी, और वो आदमी तुरंत उसके पास आके पर्दा लगा देता है। अगली सुबह यूनियन बट को लीड देती है कि वैली में बहुत सारे वैम्पायर्स मौजूद हैं। ये सुन के वो सैद के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है, और वहाँ पे दो और हंटर भी होते हैं जो कि उन्हें मारने के लिए आए थे। बट उनसे कहता है कि वो वैम्पायर उनका शिकार है तो वो यहाँ से चले जाएं। तो दोनों हंटर उसे ऑफर देते हैं कि वो सभी मिलके उन्हें मारेंगे और उनके दांत से जो भी पैसे मिलेंगे वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। अपनी बेटी के लिए बट उनकी बात मान लेता है और अंदर जाके वो लोग वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। वो वहाँ पे करीब 100 से ज्यादा वैम्पायर्स को मार डालते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया एक्शन सीन था। और उसके बाद वो उनके दांत निकाल लेते हैं उन्हें बेचने के लिए। सैद को एक वैम्पायर ने पकड़ लिया था जिससे उसकी पैंट गीली हो गई थी। बट उससे कहता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है जो कि उन वैम्पायर से लड़ रहा था, और इससे सैद बहुत ही खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो भी उसकी तरह हंटर बनना चाहता है। उसके बाद बट अपने घर जाता है जहाँ उसकी बीवी उसे बताती है कि वो इस घर को बेच रही है। ये सुनके बट हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे जमा नहीं हुए थे। उसके बाद बट अपनी बेटी को लेके उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ पे वो उसी आदमी को देखता है जो कि उसके पड़ोसी के रूम में था। ये देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है। तभी उसे ऑड्री का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि उसने उसकी बेटी को उससे छीना है, और बहुत जल्द वो भी उसकी बीवी और बच्चे को उससे छीन लेगी। ये सुन के बट अपनी बेटी को पार्टी से ले जाता है और उसे कार में बैठाता है और उससे कहता है कि वो चुपचाप गेम खेले। जब वो आदमी उसके पास आता है उसे मारने के लिए, तो वो उसे जान से मार डालता है, और उसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से भागने लगता है। उसका पीछा ऑड्री ये आदमी कर रहे होते हैं उसे जान से मारने के लिए, लेकिन बट एक एक करके सबको चकमा देता है और उन्हें मार गिराता है। वो एक टनल में जाता है जहाँ पे छोटा
सा रास्ता होता है तो वो अपनी गाड़ी के चारों टायर पंक्चर कर देता है और उस रास्ते से बाहर निकल जाता है, जिससे वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते और उसकी बेटी की जान बच जाती है। वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे ऑड्री और उसके आदमी पहले से मौजूद हैं, जिन्होंने उसकी बीवी को बंदी बना रखा है। बट की बीवी उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तो बट उसे वहाँ पे अपनी सच्चाई बताता है। वो उससे कहता है कि उसने उससे सैकड़ों झूठ बोले हैं, क्योंकि वो वैम्पायर हंटर है जो वैम्पायर्स को मार के उनके दांत निकाल लेता है, और ये सब लोग यहाँ पे जो मौजूद है वो वैम्पायर्स हैं, और वो उससे किसी बात का बदला लेने आए हैं। ऑड्री उससे कहती है कि उसने उसकी बेटी को मारा है और अब वो उसकी बेटी को वैम्पायर में कन्वर्ट कर देगी, और उसके बाद वो उसकी माँ का उसे खून पिलाएगी, जिससे उसे एहसास होगा कि किसी को खोने में कितना दुख होता है। बट वहाँ पे सेथ को भी देखता है जिसे उन लोगों ने काट खाया था। वो वर्ड पे हमला कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है, और उसके बाद वो उसकी बीवी और बेटी को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। तो बट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने सेथ को देखता है जो कि वैम्पायर बन चुका था। सेथ जब अपने दांत आईने में देखता है तो वो पूरी तरह गायब हो जाता है। वो बट से कहता है कि वो वैम्पायर बन गया है और उसे खून चाहिए। वो उसी तरफ भाग कर आता है तो बट उसका गला काट डालता है, लेकिन गला कटने के बाद भी वो जिंदा होता है और बट से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो उसका पार्टनर है और वो उसे कभी नहीं खा सकता। वो अपना गला अपने शरीर से जोड़ता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उसके बाद बट उस लड़की के पास जाता है जो कि उसके नेबर में रहती थी, और वो उस पे हमला करता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया। वो उसे बताती है कि ऑड्री ने उसे यहाँ पे भेजा था उस पे नजर रखने के लिए, और उसने उसे जबरदस्ती वैम्पायर बनाया है और उसे अपना गुलाम बना रखा था। वो उसके साथ है और उससे उसका बदला लेगी। उसे इसको खून देती है जिससे उसका गला ठीक हो जाता है, और उसके बाद वो तीनों तैयार हो जाते हैं ऑड्री के अड्डे पे जाने के लिए। वो तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं और एक एक करके सभी वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। वहाँ पे इतने सारे वैम्पायर्स होते हैं जिनसे वो लड़ नहीं पाते, लेकिन तभी वहाँ पे जॉन मशीन गन लेके आता है जो कि सभी वैम्पायर्स को मार गिराता है। वो लड़की बट को उस टनल में जाने का रास्ता बताती है जहाँ पे छुप के सभी वैम्पायर्स रहा करते थे। वो उसे कहती है कि वो और सेथ अलग दिशा में जा रहे हैं वैम्पायर्स को निपटाने के लिए, और वो दोनों उस टनल से जाए ताकि वो अपनी बीवी और बच्चे को बचा सके। वो दोनों नीचे जाते हैं और उसके बाद सभी वैम्पायर्स को मार गिराते हैं, और वहाँ पे वो कई सारी गन्स देखते हैं जो कि वैम्पायर्स को मारने के लिए बनाई गई थी। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कोई वैम्पायर ही इन गन्स को क्यों बनाएगा। इस बात को वो इग्नोर करते हैं और गन्स लेके आगे बढ़ते हैं। ऑड्री का नौकर उससे कहता है कि जरूर बट अपनी टीम को लेके यहाँ पर आ गया होगा। ऑड्री उसे भेजती है उसे पकड़ के उसके पास लाने के लिए। इधर बट और जॉन उस टनल में पहुँचते हैं जहाँ पे वो वैम्पायर्स को मारने लगते हैं, लेकिन एक वैम्पायर जॉन का गला काट खाती है जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। जॉन बट को बाहर कर देता है और उसके बाद गेट लगा देता है, और उससे कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो वैम्पायर्स को मार के उसे बाद में मिलेगा। बट उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो जाके अपनी बीवी और बच्चे को बचाए। जब वो वहाँ से जाता है तो जॉन की गोलियाँ खत्म हो जाती हैं, और उसके बाद वो अपना बॉम्ब निकालता है जो कि कपड़ों के अंदर उसने रखा हुआ था। वो उसे वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है जिससे सभी वैम्पायर्स मारे जाते हैं। इधर ऑड्री का नौकर बट को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे सहसा वो लड़की आ जाते हैं जो कि उससे लड़ने लगते हैं, और बट मौका देख के उसके अड्डे पे जाता है ताकि वो अपनी बीवी और बच्चे को बचा सके। वो ऑड्री को शूट करता है लेकिन वो इतनी फास्ट होती है कि वो उसे मार के नीचे गिरा देती है। इधर सहसा वो लड़की उसके नौकर का हाथ खींच देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऑड्री जब बट को मारने जा रही होती है तो उसकी बीवी उसके सीने में लकड़ी घुसा देती है जिससे वो जख्मी हो जाती है, लेकिन उससे उसे कोई असर नहीं होता। उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके दिमाग में सिल्वर भी डालना था, इसलिए बट उठता है और उसके दिमाग में गोली मारता है, लेकिन वो उस गोली को अपने दांत से पकड़ लेती है जिससे उसकी जान बच जाती है। बट ये देख के हैरान हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी उसका गला कट जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो ये बंदूक चलाने से पहले बट ने वहाँ पे सिल्वर वायर लगा दी थी ताकि जब वो उसे मारने आए तो उसका गला कट जाए। उसके बाद बट अपनी बीवी और बच्चे को लेके बाहर निकलता है, और सहसा वो लड़की उसे बताते हैं कि वो लोग ये जंग जीत गए हैं। उसे वहाँ पे जॉन की टोपी मिलती है जिसे वो सेथ को देता है, और उसे कहता है कि जॉन बहुत ही बहादुर था और वो भी बहादुर है, तो इस टोपी का हकदार वो है। सेथ उस टोपी को रख लेता है और उसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं जहाँ उनका मालिक उससे मिलने आता है जो कि पूरी यूनियन के साथ आया था। वो उनसे कहता है कि उन्होंने रूल का उल्लंघन किया है, तो सेथ उससे कहता है कि उन्होंने कुछ भी रूल का उल्लंघन नहीं किया है, उन्होंने अपने डिफेंस में उन सबको मारा है क्योंकि उसके बीवी बच्चे उनके कैद में थे। ये सुनकर वो उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। बट सेथ से कहता है कि अब वो उसका नया पार्टनर है तो वो और भी ज़ॉम्बीज मारेंगे, तो सेथ उसे बताता है कि आज उसकी पैंट भी गीली नहीं हुई है। उसके बाद वो लड़की और सेथ अपने घर चले जाते हैं, और बट की बीवी उससे कहती है कि तो ये सच था जो वो छुपा रहा था, उसने उसके सारे झूठ माफ किए हैं और वो फिर से एक हो सकते हैं। इस उनके बट खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपना परिवार वापस मिल गया था। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि एक नाले से बाहर निकलता है और वो सही सलामत था। वो कहता है कि उसे ये जॉब बहुत ज्यादा पसंद है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों बहुत दिनों बाद कोई ऐसी कॉमेडी गोर मूवी आई है जो कि मुझे पसंद आई है, और आप भी इसे नेटफ्लिक्स पे एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।